हेलो स्टूडेंट्स आई एम सुमन लेक्चरर इन इंग्लिश एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल झाजपुल ब्लॉक वन डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा टुडे वी विल स्टडी अ लेसन इन इंग्लिश ऑफ क्लास टेंथ दिस इज़ योर यवेंथ लेसन ऑफ द बुक फर्स्ट फ्लाइट इस चैप्टर का नाम है ग्लिमसेस ऑफ इंडिया इस चैप्टर को तीन डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है जिसमें तीन डिफरेंट स्टोरीज हैं पिछली क्लास में हमने इसके फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था विच वॉज अ बेकर फ्रॉम गोवा आई होप वो चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा तो आज मैं आपको इसके सेकेंड पार्ट को एक्सप्लेन करूँगी दैट इज कुर्ग रिटर्न बाय लोकेश एब्रॉल चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि कुर्ग क्या है कुर्ग एक प्लेस का नाम है एक जगह का नाम है जो कि एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है अब ये कुर्ग है कहाँ ये कोई फॉरेन में नहीं है ये हमारे इंडिया में ही है इंडिया का ही एक स्टेट है कर्नाटका जिसके बारे में आप स्टूडेंट्स जरूर जानते होंगे और ये कुर्ग कर्नाटका के वेस्टर्न घाट्स में है कुर्ग इज़ अ कॉफ़ी कंट्री यहाँ इस वर्ड का मतलब ये नहीं है कि कुर्ग एक अलग कंट्री है इसका मतलब है कुर्ग कॉफी के लिए कंट्री की तरह है यानी कि यहाँ कॉफ़ी का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है इसलिए इसे कॉफ़ी कंट्री कहा जाता है फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट और ये कुर्ग रेन फॉरेस्ट के लिए भी फेमस है रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं मतलब कि यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा हैवी हरे भरे फॉरेस्ट पाए जाते हैं कुर्ग में और ये फेमस है स्पाइसेस के लिए स्पाइसेस मींस मसाले आपने घरों में मदर्स को कुकिंग के लिए स्पाइसेस यूज़ करते हुए देखा होगा खाना बनाने के लिए मसाले यूज़ किए जाते हैं जैसे पेपर कार्डेमम, क्यूमिन मिंट बेजिल्स, बे लीव्स गार्लिक पेपर मीन्स मिर्च कार्डेमम, इलायची क्यूमिन जीरा मिंट पुदीना बेजिल्स, तुलसी बे लीव्स तेज़ पत्ता और गार्लिक होता है लहसुन इस तरह है के ये सब स्पाइसेस यहाँ बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं इसका मतलब है कि यहाँ कुर्ग का जो क्लाइमेट है जो जलवायु है वो स्पाइसेस के उगाने के लिए बहुत सुटेबल है बहुत ज़्यादा उपयुक्त है इसीलिए यहाँ मसाले बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं तो हमें यहाँ कुर्ग के बारे में क्या पता चला कि यहाँ कॉफ़ी प्लांट्स हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी उगाई जाती हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पाइसेस यानी कि मसाले उगाए जाते हैं और यहाँ रेन फॉरेस्ट हैं जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं इसलिए ये एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है यानी कि यहाँ की, की प्राकृतिक दर्शावली बहुत सुंदर है इसीलिए टूरिस्ट यहाँ प्रकृति का दृश्य देखने के लिए प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए टूरिस्ट यहाँ आते रहते हैं गुर्ग के बारे में ही और ज़्यादा जानकारी के लिए आई विल एक्सप्लेन दिस लेसन टू यू विद कंप्लीट वर्ड मीनिंग्स मिड वे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सेट्स अ पीस ऑफ हेवन

और ऐसा लगता है कि जैसे कि किंगडम ऑफ़ गोड भगवान के स्वर्ग से एक टुकड़ा टूट के यहाँ आ गया है हवा के साथ बह के क्योंकि कुर्ग इतना सुंदर है कि उसको स्वर्ग के साथ कंपेयर किया गया है उसको किंगडम ऑफ गोड माना है यह धरती पर ही स्वर्ग की तरह है दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स ज इन्बिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन ब्यूटिफुल विमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स रोलिंग हिल्स मीन्स ऊँची नीची पहाड़ियाँ और मार्शियल मीन्स कनेक्टेड विद फाइटिंग कुर्ग ऊँची नीची पहाड़ियों पर स्थित है और यहाँ के रहने वाले लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर योद्धा हैं और यहाँ रहने वाली स्त्रियाँ बहुत सुंदर हैं और यहाँ बहुत सारे वन्य जीव भी निवास करते हैं कुर्ग और कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशंस कुर्ग जिसको कोडागु भी कहा जाता है जो कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है जिला है वो सदाबहार जंगलों मसालों और कॉफ़ी के बाग़ानों का घर है यानी कि यहाँ बहुत ज़्यादा रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में मसाले उगाए जाते हैं और यहाँ कॉफ़ी की भी बहुत ज़्यादा पैदावार होती है जैसे कि इस चैप्टर के शुरू में भी यही बताया था उसी बात को यहाँ रिपीट किया गया है कि यहाँ मसाले और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होती है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर थर्टी परसेंट ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट यहाँ इतने ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं कि तीस परसेंट हिस्से को इस डिस्ट्रिक्ट के जंगलों ने ही कवर किया हुआ है रेन फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्ट्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे मॉनसून मीन्स बारिश का मौसम यहाँ बारिश के मौसम में इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि उस वक्त विजिटर्स का यहाँ आ पाना पर्यटकों का यहाँ आ पाना पॉसिबल नहीं होता है और इस समय में वो यहाँ से दूर ही रहते हैं द सीज़न ऑफ जॉय जॉय मीन्स हैप्पीनेस कमेंसिस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च और यहाँ आने का सबसे अच्छा समय सितंबर और मार्च के बीच का होता है क्योंकि जब भी हम कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं तो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में जानकारी ज़रूर लेते हैं तो कुर्ग का जो क्लाइमेट है वो घूमने के लिए सबसे अच्छा सितंबर और मार्च के महीने तक रहता है द वेदर इज़ परफेक्ट विद शम सावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेज़र सितम्बर और मार्च के बीच में यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा रहता है उस टाइम यहाँ बस हल्की फुल्की सी बारिश होती है द एयर ब्रैथ्स ऑफ इन्विग्रेटिंग कॉफ़ी इन्विग्रेटिंग मीन्स गिविंग हेल्थ एंड एनर्जी कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बेंगलोज स्टैंड टग्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स यहाँ की हवा में भी हेल्थ और एनर्जी देने वाली खुशबू फैली रहती है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा कॉफ़ी प्लांट्स हैं इस वजह से कॉफ़ी की खुशबू चारों तरफ वातावरण में फैली रहती है और वो बहुत इनर्जेटिक होती हैं कॉफी इस्टेट्स एंड कॉलोनियल बेंगलोव स्टैंड टक्ड अंडर ट्रीज़ कैनोपीज कैनोपीज मीन्स होता है पेड़ों का झुरमुट पेड़ इकट्ठे होके एक छायादार झुरमुट बना लेते हैं उसके नीचे ही बंगलोज बने हुए हैं बहुत ही सुंदर इनके घर बने हुए हैं वो यहाँ देखने में बहुत सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि उन कैनोपीज़ के नीचे वो मकान वो बंगलोज सुरक्षित हैं और कुर्ग में इस तरह के बेंगलोव कैनोपीज़ के नीचे आम दिखाई देते हैं कुर्ग के प्राइम कॉर्नर्स में कुर, कुर्ग के जो मुख्य जगह हैं जो सुंदर जगह हैं वहाँ पे आपको इस तरह के बंगलोस दिखाई देंगे जो छत्र रूपी पेड़ों के नीचे बने हुए हैं और ये देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट फायरसली मीन्स आक्रमक यहाँ के जो रहने वाले जो कुर्ग के जो लोग हैं वो बहुत ही आक्रमक लोग हैं इंडिपेंडेंट हैं स्वतंत्र हैं और ऐसा लगता है कि वो अरब से उनका कोई संबंध है वो अरब वंश से संबंधित हैं एज वन स्टोरी गोज ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी मूव साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हेयर वैन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल जैसा कि आपको पता है कि अलेक्जेंडर ने एक बार इंडिया पर हमला किया था और कुर्ग से संबंधित एक कहानी भी हमें यही बताती है कि जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पर हमला किया तो उसकी सेना का कुछ भाग वापस नहीं जा पाया और वो कोस्ट के साथ साथ चलते हुए तट के साथ साथ चलते हुए यहीं आ गया और वो आके कुर्ग में रहने लगा क्योंकि उनका वहाँ से वापस जा पाना मुश्किल था

वहाँ के हिंदू मेन स्ट्रीम हिंदू रीति रिवाजों से अलग तरह के थे इन लोगों ने यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनके साथ शादी के संबंध स्थापित कर लिए और उनकी संस्कृति उनकी सैनिक रीति रिवाज और उनके वैवाहिक रीति रिवाज और उनके धार्मिक रीति रिवाज उनसे अलग थे यहाँ के रहने वाले लोगों से उनकी परंपराएं अलग थी जो वहाँ साफ दिखाई देती हैं द थरी ऑफ अरब द लॉन्ग ब्लैक एम्ब्रॉइड वेस्ट बेल्ट वोन बाय द कोडाउज ये जो लोग थे वो काले रंग का लंबा सा कोट पहनते थे जिसकी वेस्ट बेल्ट के ऊपर कमर की जो चारों तरफ बेल्ट की शेप में एम्ब्रॉड्री की हुई होती थी कढ़ाई का काम किया हुआ होता था और इस ड्रेस से ही उनके बारे में पता चलता था कि ये लोग बेसिकली अरब से आए हैं क्योंकि वहाँ के लोग इस तरह के का पहनावा इस तरह की ड्रेस पहनते हैं और ये लोग भी उसी तरह की ड्रेस पहनते थे इसी से पता चलता था कि इन लोगों का कहीं ना कहीं ओरिजन इनका कहीं ना कहीं इनके पूर्वजों का संबंध अरब से था नॉन एज कूफिया इट द कूफिया वॉर्न बाय अरब्स एंड कर्द्स और ये इस तरह की जो ब्लैक कलर की लॉन्ग ड्रेस होती थी इसको कुफिया कहा जाता था या कुपिया कहा जाता था जिसे अरबी लोग कुर्दी लोग पहनते थे जो अरब के रहने वाले लोग थे वो इसी तरह की ड्रेस पहनते थे कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग

वहाँ मेहमानों की सेवा करने की परंपरा थी और कुर्गी लोग अपने बेटों तथा पिताओं की वीरता की कहानियाँ सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी डेकोरेटेड मीन्स जिसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हों इंडियन आर्मी में कुर्ग रेजिमेंट को सबसे ज़्यादा अवार्ड्स मिले सबसे ज्यादा पदक मिले एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्गी और इंडियन आर्मी का फर्स्ट जनरल जनरल करियप्पा भी एक कुर्गी ही था इवन नाव कोडाउज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस और आज भी केवल कोडाऊ के लोगों को ही फायर आर्म्स अग्निशस्त्र रखने की परमिशन है बिना लाइसेंस के क्योंकि ये बहुत ही ट्र्यू सच्चे और फेथफुल लोग हैं इसीलिए इनको बिना लाइसेंस के भी फायर आर्म्स रखने की इजाज़त दी गई है द रिवर कावेरी ऑबटेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग हमारे यहाँ जो कावेरी नदी बहती है उसको भी पानी कुर्ग के जंगलों और वहाँ की पहाड़ियों से ही मिलता है जैसे कि आपको पहले ही बताया गया था कि कुर्ग में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और वहाँ रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं तो वहाँ की पहाड़ियों से जो पानी नीचे आता है वही पानी कावेरी नदी में बहता है महासीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स और महासीर नाम की जो ताज़ा पानी में रहने वाली एक बड़ी मछली होती है वो इस नदी के पानी में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच वाइल्ड स्क्वेल्स एंड लंगूट्स ड्रॉप पार्शियल ईटन फ्रूट फॉर द मिस्चीफ बाय देयर महूत किंगफिशर नाम का जो पक्षी होता है वो भी अपने शिकार के लिए इस पानी में गोता लगाता है और स्क्ल्स गिलहरिया और लंगूर जो बंदर होते हैं वो भी मस्ती करने के लिए इसमें पार्शियली इटन पार्शियली मीन्स आधा खाया हुआ फ्रूट फल इस पानी के अंदर फेंक देते हैं ताकि उस पानी के अंदर रिपल मीन्स होता है वाटर वेव्स पानी की लहरें पैदा कर सकें और स्प्लैश उसके अंदर पैदा कर सकें इस तरह से वो इस पानी में इंजॉय करते हैं एलिफेंट्स इन्जॉय बींग बेद्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महूत और जो एलिफेंट्स होते हैं उनको उनके जो महूथ्स कौन होते हैं जो एलिफेंट्स का ध्यान रखते हैं उनके महावत वो जब उनको यहाँ स्क्रब करके अच्छे से नहलाते हैं तो उनको भी बहुत आनंद आता है तो इस तरह की प्रकृति और जानवरों के दृश्य कुर्ग की नदियों के आसपास बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं और ये वहाँ की सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं यहाँ जाके ऐसा लगता है कि जानवरों की पक्षियों की भी एक अलग ही दुनिया है और प्रकृति कितनी सुंदर है और उन सब चीज़ों का हमारे ऊपर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है उनको देख के हमें बहुत अच्छा लगता है और इन्हीं प्राकृतिक दर्शों को देखने के लिए ही हम ऐसी जगहों पे जाना चाहते हैं इससे हमें पता चलता है कि पक्षी जानवर भी अपने आप को किस तरह से इन्जॉय करते हैं ये सारी चीज़ें हमें किसी प्राकृतिक जगह पे जाके ही देखने को मिलती हैं द मोस्ट डिविजल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग कैनोइंग रैपलिंग रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग न्यूमरेस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर आ फेवरेट विद ट्रैकर क्या होता है लकड़ी के कुछ लट्ठों को इकट्ठा करके एक बेड़े का रूप दिया जाता है और उससे पानी में ट्रेवल किया जाता है दैट इज कॉल्ड रैफ्टिंग कैनोइंग क्या होता है एक छोटी सी बोट के सहारे पानी में यात्रा करना दैट इज कैनोइंग और रैपलिंग क्या होता है एक रस्सी को बांध के एक ऊंची चट्टान से नीचे आया जाता है उस रस्सी के सहारे दैट इज कॉल्ड रैपलिंग द मोस्ट लेड बैक लेड बैक क्या होता है रिलैक्सड नॉट इन हरी जो शांत चित्त के लोग होते हैं वो भी यहाँ आकर कुछ साहसिक कारनामे अपनी इंजॉयमेंट के लिए करते हैं जैसे कि रैफ्टिंग नो यात्रा करना रस्सी के सहारे पहाड़ों पर चढ़ना पर्वतारोहण करना और पहाड़ों पर साइकिल चलाना इस तरह से इस जगह पे आने वाले लोग अलग अलग तरह के साहसिक कारनामे करके खुद को इंजॉय करते हैं Numerous walking trails in this region are favorite with trekkers. Trails, paths created by walking. जिस जगह पे हम ज़्यादा चलते हैं तो वो एक रास्ता सा बन जाता है वहाँ की घास फूस पेड़ पौधे हट जाते हैं और एक प्रोमिनेंट रास्ता बन जाता है तो यहाँ पे जो ट्रैकिंग के लिए जो लोग आते हैं इन रास्तों पे चलना उनका बहुत ही फेवरेट कार्य होता है उनका पसंदीदा काम होता है बर्ड्स बीज एंड बटरफ्लाइज़ आर देयर टू गिव यू कंपनी अगर आप यहाँ आके ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो यहाँ के पक्षी बीज मधुमक्खियाँ बटरफ्लाइज़ तितलियाँ आपका साथ देती हैं यानी कि आपको यहाँ इस सराउंडिंग में बहुत अच्छा लगता है अपने चारों तरफ बर्ड्स और बटरफ्लाइज को देख के मेकाक्स मालाबार स्क्वेल्स, लंगूरस एंड सिलेंडर लॉरिस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी एक विशेष तरह के बंदर मालाबार स्क्वेल्स मालाबार स्क्वेल्स एक विशेष तरह की गिलहरी होती हैं जो मालाबार रीजन्स में ही पाई जाती हैं लंगूर्स और सिलेंडर लॉरिस आपको यहाँ गहरे पेड़ों के झुरमुट में से देखते रहते हैं आई डू हाउ एवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स और कभी कभी जंगली हाथियों को रास्ता देने के लिए हमें एक तरफ हो के भी चलना पड़ सकता है इसका क्या मतलब है कि यहाँ आपको रास्ते में जंगली हाथी भी मिल सकते हैं और उनसे आपको बच के निकलना पड़ता है द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इंटू अ पेनॉरमिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग पेनॉर्मिक मीन्स अ व्यू ऑफ अ वाइड एरिया ऑफ लैंड जिससे आपको बहुत दूर तक का दृश्य दिखाई दे तो यहाँ ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पे चढ़ के आप कुर्ग के दूर तक का दृश्य देख सकते हैं वहाँ का एंटायर मिस्टी लैंडस्केप का दृश्य आपको दिखाई देगा वहाँ से एवोक एकरोस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 फोर एकड़ आईलैंड ऑफ निसर्ग धाम और यहाँ से चल के आप रस्सी से बने हुए पुल को पार करेंगे तो आप निसर्ग धाम द्वीप पहुँच जाएंगे जो कि चौसठ एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है रनिंग इंटू बुद्धिस्ट मॉक्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाय बायलाकूपे इज़ आ बोनस और जब आप निसर्ग धाम जाते हैं तो उसके नज़दीक ही बायलेकूपे नाम की एक जगह है जहाँ पे भारत की सबसे बड़ी तिब्बत बस्ती है जिसमें आपको अचानक से भिक्षुओं से भेंट हो जाएगी और ये आपके लिए एक बोनस की तरह हैं इनको मिलके आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी प्रसन्नता होगी द म इन द रेड ओकर एंड येलो रॉब्स रॉब्स मीन्स ड्रेस ओकर मीन्स ऑरेंज आर अमंगस्ट द मैनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाई विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हेयर इन कुर्ग और यहाँ आपको लाल ऑरेंज और पीले वस्त्र पहने हुए बहुत से जो भिक्षु दिखाई देते हैं वो उनमें से एक दृश्य होता है जो यहाँ आने वाले लोग जिनके लिए इंतज़ार करते हैं यानी कि जो लोग यहाँ आते हैं वो चाहते हैं कि उनको वो भिक्षु देखने को मिलें तो ये यह लोग यहाँ आके उनके लिए वेट करते हैं वे पर्यटक जो भारत के दिल और उसकी आत्मा की खोज बिल्कुल यहाँ कुर्ग में ही कर रहे होते हैं जिन लोगों को ये लगता है कि कुर्ग में ही भारत की आत्मा और दिल बसते हैं उन लोगों के लिए ऐसे दृश्यों को देख पाना बहुत ही अच्छा अनुभव होता है कुर्ग की नेचुरल ब्यूटी की वजह से ही इसको भारत की आत्मा और दिल कहा गया है यहाँ इस चैप्टर में कुर्ग में घूमने के लिए डेस्टिनेशंस के बारे में भी बताया गया है कि अगर हम कुर्ग घूमने जाएं तो वहाँ जाके हम कौन कौन सी जगहों पे जाके घूम सकते हैं यहाँ आके हम कॉफी स्टेट्स देख सकते हैं ब्रह्मगिरी पहाड़ियों की चढ़ाई कर सकते हैं निसर्ग धाम जा सकते हैं और बायलाकुपे भी जा सकते हैं जो कि बहुत बड़ी भिक्षु बस्ती है मिस्टी हिल्स देख सकते हैं और यहाँ जो भिक्षुओं को देखने का जो आनंद मिलता है वो शायद किसी और जगह पे जाके अनुभव नहीं किया जा सकता तो इस चैप्टर को पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि जैसे ही हमें मौका मिले तो हम कुर्ग घूमने जाएं और वहाँ की नेचुरल ब्यूटी को इन्जॉय करें वहाँ के सारे लैंडस्केप को इन्जॉय करें तो जैसे ही आप बच्चों को भी मौका मिले तो आप यहाँ जा सकते हैं तो ये थी इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कुर्ग के बारे में और अब आगे इस चैप्टर में ये बताया गया है कि आप कुर्ग कैसे जा सकते हैं बाय रोड बाय ट्रेन और बाय एयर इसके लिए एक फैक्ट फाइल दी है हाउ टू रीच कुर्ग मदिकेरी द डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स इज़ द ओनली गेट वे टू कुर्ग इसमें बताया गया है कि जिला मुख्यालय मदिकेरी एक जो जगह है वो कुर्ग तक पहुँचने का अकेला प्रवेश द्वार है गेटवे है द मिस्टी हिल्स लश फॉरेस्ट एंड कॉफी प्लांटेशंस विल कास्ट ए स्पेल ऑन यू और यहाँ जब आप पहुँचते हैं तो यहाँ के मिस्टी हिल्स धुंध से ढकी हुई पहाड़ियाँ लश फॉरेस्ट लश फॉरेस्ट का मतलब होता है हरे भरे जंगल जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस और कॉफ़ी के जो बागान हैं जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी लगाई गई है उगाई गई है विल कास्ट ए स्पेल स्पेल मीन्स होता है जादू कर देना ऑन यू वो आपके ऊपर एक जादू कर देंगे ये मिस्टी हिल्स हरे भरे जंगल और कॉफ़ी प्लांटेशन कॉफ़ी के बागान आपको बहुत सुंदर लगेंगे और आपका मन बार बार वहाँ जाने के लिए करेगा फाइंड अ रिजॉर्ट कॉफ़ी एस्टेट और स्टे इन अ होम फॉर अ ट्रूली कुर्गी एक्सपीरियंस और जब भी आप कुर्ग में जाएं तो वहाँ की नेचुरल ब्यूटी का मज़ा लेने के लिए नेचुरल ब्यूटी को इंजॉय करने के लिए तो आप वहाँ रहने के लिए या तो कोई कॉफी इस्टेट ढूंढ लें या फिर किसी के घर में ठहर जाएं कुर्ग के रियल एक्सपीरियंस को इन्जॉय करने के लिए क्योंकि तभी आपको वहाँ के रहन सहन कल्चर के बारे में पता चलेगा और आप कुर्ग के एक्सपीरियंस को इन्जॉय कर पाएंगे अगर आपको बाय एयर जाना है तो आप कहाँ से जाएंगे, कौन सा रास्ता फॉलो करेंगे द नियरेस्ट एयरपोर्ट्स आर मैंगलोर एंड बेंगलोर दे आर आर फ्लाइट्स टू मैंगलोर फ्राम मुंबई एंड टू बेंगलोर फ्राम अहमदाबाद चेन्नई दिल्ली गोवा हैदराबाद कोची कोलकाता मुंबई एंड पुणे इसी तरह से आपको वहाँ सबसे नज़दीक हवाई अड्डा मैंगलोर का पड़ता है जो वन थर्टी फाइव किलोमीटर दूर है और दूसरा बेंगलोर का है जो टू सिक्सटी किलोमीटर दूर है मुंबई से मैंगलोर के लिए तथा अहमदाबाद चेन्नई दिल्ली गोवा हैदराबाद कोची कोलकाता मुंबई तथा पुणे से बेंगलोर के लिए आपको फ्लाइट्स मिल जाएंगी और अगर आप एयरवेज से ना जाके बाय रेल जाना चाहते हैं द नियरेस्ट रेल हेड्स आर एट मैसूर मैंगलोर एंड हसन तो सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन जो है वो मैसूर मैंगलोर तथा हसन में है इसी तरह से अगर आप बाय रोड जाना चाहते हैं तो देर आर टू रूट्स टू कुर्ग फ्रॉम बेंगलोर तो बेंगलोर से होते हुए कुर्ग तक पहुँचने के दो अलग अलग रास्ते हैं बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम डिस्टेंस अराउंड 250 और 260 सिक्सटी किलोमीटर्स और दोनों ही रास्ते एक समान हैं दोनों की दूरी लगभग बराबर है 250 किलोमीटर या 260 किलोमीटर दूरी पड़ती है कुर्ग तक पहुंचने की द रूट वाई मैसूर इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटेड वन और मैसूर से जो होते हुए रास्ता कुर्ग पहुंचता है उसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है द अदर रूट इज़ वाई नील मंगल चंद्रायण पतना और दूसरा रास्ता नील मंगल कुनीगल चरनाय से होकर कुर्ग पहुंचता है सो इट वॉज़ द होल एक्सप्लानीशन ऑफ द चैप्टर कुर्ग एक ऐसा चैप्टर है ये जिसको पढ़ के ऐसे लगता है कि जैसे हम पूरा कुर्ग घूम के आए हैं या फिर नहीं आए हैं तो जैसे कि अभी वहाँ घूमने चले जाएं और राइटर ने भी हमें फुल अपॉर्चुनिटी दी है इसके सारे लैंडस्केप के बारे में हमें बताया है कहाँ कहाँ हम डेस्टिनेशन प्लान कर सकते हैं अगर कुर्ग घूमने जाएं तो वहाँ क्या देखने लायक चीज़ें हैं और सब कुछ बताने के बावजूद साथ में ये भी बताया है कि हम वहाँ इजीली कैसे पहुँच सकते हैं कौन सा रूट हम अपना सकते हैं बाय ट्रेन जा सकते हैं बाय रोड जा सकते हैं बाय एयरवेज जा सकते हैं और कैसे हम कुर्ग पहुँचें तो वहाँ जाके उसकी पूरी ब्यूटी को इन्जॉय करने के लिए हम कहाँ रहें क्या क्या देखने के लिए जाएं, तो इस तरह से हमें कुर्ग का फुल एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर में मिला है आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर So, dear students, stay home, stay healthy, and keep on studying.